वज़ीर इत्तलात के अलीम खान केस से मुतालिक बयान पर चेयरमैन नैब का नोटिस। वज़ीर इत्तलात के नैब से मुतालिक माजी और हालिया बयानात का जायजा लेने का फैसला कर लिया गया। जायजा लिया जाएगा कि उनके बयानात नैब के मामलात में मुदाखलत की कोशिश तो नहीं, अलामिया जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, इस फैसले के हवाले से बताइएगा। ये कौमी इंतखाब ब्यूरो की जानेब से ये अलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो वजीर वफाकी वजीर इत्तलात ने अलीम खान के हवाले से जो उनका मुकदमा चला है, केस चला है, नैब में जो बयानात दिए हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो पहले भी नैब के हवाले से जो है अपने बयानात देते रहते हैं, नैब का कहना यह है कि उनके तमाम बयानात का जायजा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि ये उनके जो बयानात हैं कोई असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं है नैब पे, और अगर ये साबित होता है कि वो नैब के कवानीन में मुदाखलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इस हवाले से बाकायदा जो है अलामिया जारी किया गया और उनका कहना ये था अलामिया में नैब हुकाम का कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात ग्रोह और फर्ज से नहीं है, नैब ने अपने अमल से इस बात को साबित करना है और नैब के आखिरी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, इसलिए तमाम जो लोग हैं नैब के खिलाफ बयानबाजी करते हुए मुताद रहे। इस अलावा से इस हवाले से जो बाकायदा अलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, अलामिया जारी कर दिया गया है। राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया आपका।